हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज़ सो वी आर हेयर विद द नेक्स्ट पार्ट फॉर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स कोई भी आप एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो चाहे वो एफ ओ का है नबार्ड का है स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर्स का है जो स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं आर आर बी का एस SO ओ है कोई भी एरिया है एग्रीकल्चर से कंसर्नड इनफैक्ट जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि करंट स्पेसिफिक है तो बाकी के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं ठीक है एमसीक्यू को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जहाँ पर डिटेल रिक्वायर्ड है वहाँ पर डिटेल रहेगा जहाँ पर सिर्फ फैक्ट हमें कवर करना है वहाँ पर सिर्फ फैक्ट को कवर करेंगे ठीक है फालतू की डिटेल भी अवॉइड करनी होती है देखो स्मार्ट स्टडी का जो मेथड होता है वो यही कहता है कि हर जगह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के अंदर भी नहीं जाना चाहिए वैसे तो ठीक है हर जगह डिटेल में भी नहीं घुसना चाहिए स्पेशली जो ग्रेड ग्रेडे के बच्चे हैं ठीक है उनको मैं अक्सर बोलता हूँ कि यार आप अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में नहीं किया है तो बहुत लिमिटेड तरीके से आपको पढ़ना चाहिए इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं क्योंकि पेपर बहुत जनरली जनरलाइज्ड होता है अब एग्रीकल्चर में देखो अलग अलग डोमेन्स होते हैं एग्रोनॉमी के अंदर बीएससी होती है चार साल की हॉर्टिकल्चर के अंदर चार साल की फॉरेस्ट्री के अंदर चार साल की लेकिन आपके पेपर के अंदर ये सब कुछ आना है तो आप कंप्लीटली डिटेल में कभी पढ़ ही नहीं सकते वो भी एक फैक्ट है ठीक है तो जहां डिटेल रिक्वायर्ड है वहां डिटेल और जहां फैक्ट रिक्वायर्ड है वहां फैक्ट ठीक है जी टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी चैनल को शेयर ज़रूर करना बेटा जितना ज़्यादा हो सके और सब्सक्राइब ज़रूर करना है. चलो पहला क्वेश्चन है आई सी आर आई एस ए टी के अंदर ए क्या है ये जो आई सी आर आई एस ए टी में ए है वॉट डज दिस ए स्टैंड फॉर ऑप्शन ए एग्रीकल्चर बी एरिड सी एग्रीकल्चरल D is acid and E is none of the above. What does A stand for in I C R I S A T? So the right answer guys over here is option B arid. तो so, आपका I C R I S A T International Crops Research Institute for the Semi Arid Tropics. आपको full form इसकी रटी हुई होनी चाहिए. जैसे अभी तो मैंने यहाँ पर आपसे एक single alphabet का पूछ लिया, वो पूरी की पूरी full form भी पूछ सकता है question के अंदर. आई सी आर आई एस ए टी क्या है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स सेकेंड क्वेश्चन हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके आई सी आर आई एस ए टी का इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का हेड कहाँ पर है ऑप्शन ए हैदराबाद बी बेंगलोर सी मुंबई डी भुवनेश्वर ई नन ऑफ दी अब वो यहाँ पर क्या कर सकता था अभी जैसे उसने यहाँ पर स्टेट्स के नाम दे दिए तो अल्टीमेटली मेरे को ये पता चल गया कि यार ये आई आई एस आई टी का जो हेडक्वाटर है वो इंडिया में ही है ठीक है तो एक तो ये वाला हो गया कि उसने स्टेट पूछ लिया दूसरा वो ऐसा भी कर सकता था कि हेडक्वाटर ऑफ आई सी आर आई एस आई टी लिख देता और उसके बाद नीचे ऑप्शन के अंदर कंट्रीज़ के नाम लिख देता जैसे कि ए इंडिया बी सिंगापुर सी मलेशिया डी थाईलैंड ई ऑस्ट्रेलिया ठीक है अब जिसको नहीं मालूम कि इंडिया के अंदर है तो वो अल्टीमेटली फिर कंफ्यूज उसके अंदर भी हो जाएगा तो उस पैटर्न पे भी क्वेश्चन बन सकता है तो हेड क्वार्टर आई सी एस का कहाँ पर है बेटा आई सी आर आई एस का हेडक्वाटर्स है आपका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसको याद रखेंगे थर्ड क्वेश्चन ये न्यूज़ में क्यों था क्योंकि अभी ना एनिवर्सरी थी आई सी एस की ट्वेंटी ट्वेंटी टू में फेबररी के अंदर इसकी एनिवर्सरी होती है फाउंडेशन ईयर होता है तो uh, इस बार कौन सी एनिवर्सरी थी ठीक है प्रधानमंत्री भी गए थे प्रधानमंत्री ने वहाँ पर स्पीच वगैरह भी डिलीवर की थी आई सी आर की एनिवर्सरी के टाइम पर तो ट्वेंटी फिफ्थ फिफ्टियथ सेवेंटी फिफ्थ या नन ऑफ दी अब विच एनिवर्सरी वॉज देयर सो द राइट आंसर गाइस ओवर हेयर इज ऑप्शन बी फिफ्टियथ एनिवर्सरी था ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करंट डायरेक्टर जनरल कौन है आईसीआरआईएसएटी आई एस टी का हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आई सी आर आई एस टी ऑप्शन ए डॉक्टर तमिलिसई सौंदर ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर ऑप्शन सी जी जी किशन रेड्डी एंड ऑप्शन डी इज एस श्रीवास्तवा सो व्हाट इज़ द राइट आंसर अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है बाकी इसके अंदर अगर किसी को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो तो वो uh, एलिमिनेट भी कर सकता है देखो जो तमिलिसई सौंदर uh, है ये तेलंगाना के गवर्नर हैं तो ये आंसर नहीं है नरेंद्र सिंह तोमर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं यूनियन तो ये भी डायरेक्टर जनरल नहीं है एस श्रीवास्तवा तो मैंने ऐसे ही नाम डाल दिया ठीक है मुझे और कोई नाम मिल नहीं रहा था तो मैंने ये डाल दिया तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है जी किशन रेड्डी ये डायरेक्टर जनरल है आईसीआरआई सी एस सी टी के ठीक है चलो ओके प्रधानमंत्री जब अपनी स्पीच दे रहे थे आईसीआरआई आई एस सी टी के अंदर तो वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात कर रहे थे तो उन्होंने कितने इंडिया के अंदर कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वैसे इंडिया के अंदर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो आपको अलग अलग मिलते हैं ठीक है जैसे प्लानिंग कमीशन ने अलग क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ठीक है एक आदि और बॉडीज़ हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो प्लानिंग कमीशन वाला है और उसी को ऑफिशियली कंसीडर किया जाता है तो प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को पंद्रह एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया है अभी मैं यहाँ पर आपके साथ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो किसी और लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर पंद्रह एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया में कितने सीजन हैं अगेन ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ना एग्रो क्लाइमेटिक जोन सीजन ये सब प्रधानमंत्री की स्पीच के अंदर हाईलाइटेड थे इसीलिए एज इट इज इनको यहाँ पर डाल दिया है तो कितने सीजन है इंडिया के अंदर चार पाँच छः सात या आठ कितने सीजन होते हैं इंडिया में कितने मौसम होते हैं इंडिया में तो इसका क्या राइट आंसर है ऑप्शन सी छः सीजन होते हैं बेटा इंडिया के अंदर जनरली उसमें आपका स्प्रिंग आ जाता है समर आ जाता है मॉनसून आ जाता है ऑटम आ जाता है प्री विंटर और विंटर तो ये आपके छह सीजन है जो प्रधानमंत्री की स्पीच के अंदर हाईलाइटेड थे स्प्रिंग समर मॉनसून ऑटम प्री विंटर और विंटर स्प्रिंग समर मॉनसून ऑटम प्री विंटर और विंटर ये आपके सीजन आ जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम आई एफ एल डी पी ठीक है इसको पहले आई एफ एल ए डी पी भी बोला जाता था अब इसको आई एफ एल डी पी बोला जाता है इसको कंटिन्यू करने की बात बोल दिया सरकार ने कि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो इतने ये पाँच साल के पीरियड के लिए सरकार ने इस स्कीम के लिए जो फुटवेयर और लेदर डेवलपमेंट के अंदर काम करेगी देश में कितना फाइनेंशियल आउटले या कितना पैसा जो है सरकार ने इसके ऊपर खर्चने का डिसाइड किया अगले पाँच साल में सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन सी सेवनटीन हंड्रेड करोड़ रुपीज ठीक है सेवनटीन हंड्रेड करोड़ अभी जो आई एफ एल डी पी आपका जो स्कीम है या प्रोग्राम है इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स हैं इन सब स्कीम्स को डिस्कस करते हैं जो दो हजार इक्कीस से लेकर के दो हज़ार छब्बीस तक कंटिन्यू किए जाएंगे सबसे पहले सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल प्रमोशन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल प्रमोशन जो स्कीम है इसको अराउंड 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ठीक है अब इसके अंदर बेसिकली होगा क्या असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में 80 परसेंट असटेंस प्रोवाइड की जाएगी बेनिफिशरीज को ठीक है जी विद इंडस्ट्रीज़ बेनिफिशरी शेयर टू बी ट्वेंटी ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और बाकी के एरियाज़ में सेवेंटी रहेगा ठीक है और लिमिट जो रहेगी वो 200 करोड़ रुपए की रहेगी अगर आप कोई नया टेक्नोलॉजी या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो हेल्प करे लेदर की डेवलपमेंट के साथ और फुटवेयर को प्रमोट करते हुए इस तरह का कोई प्रोजेक्ट सेटअप करते हो तो उसके अंदर आपको ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी सेकेंड आ जाता है आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर सब स्कीम इसके लिए भी पाँच करोड़ रुपया रखा जाएगा ठीक है इसके अंदर बेसिकली क्या होगा जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं अगर वो अपनी मॉडर्नाइजेशन करती हैं या अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती हैं कैपेसिटी बेसिकली अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं या अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती हैं ठीक है थीके? एक एक 2020 के बाद से तो उनको भी पैसा प्रोवाइड किया जाएगा असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और जो एम एस है यानी कि मीडियम स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स हैं उनको तीस की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और बाकी की एम के अलावा जो बाकी की यूनिट्स हैं उनको 20 परसेंट असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी अगर वो क्या करते हैं मॉडर्नाइजेशन करते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते हैं उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ को भी प्रोवाइड की जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ के लिए फोर्टी रहेगा एम के लिए थर्टी परसेंट रहेगा बाकी की यूनिट्स के लिए और एडिशनल पांच परसेंट उनको और प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी इंडिया के अंदर बनी है उस प्लांट एंड मशीनरी को वो यूज करते हैं अपनी मॉडर्नाइजेशन परपज के लिए इसके अंदर जो मैक्सिमम असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी वो होगी पंद्रह करोड़ रुपए ठीक है फिफ्टीन करोड़ रुपीज पर प्रोडक्ट लाइन कीपिंग इन व्यू फाइव टाइम इंक्रीज इन अपर लिमिट ये आप पॉइंट छोड़ दो बस आप पंद्रह करोड़ याद रख लो कि मैक्सिमम असिस्टेंस जो है वो पंद्रह करोड़ है उसके बाद इसके अंदर एक और सब स्कीम है जिसको हम बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी इसके लिए दो करोड़ रुपए रखे जाएंगे तो सरकार कह रही है कि हम इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ठीक है जो भी कन्वेंशनल लाइट फिक्सचर्स हैं उनको एक्सचेंज करेंगे एलईडी लाइट्स वगैरह लगाएंगे गर्ल्स हॉस्टल्स बनाएंगे जो फुटवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का उसके अंदर उसके कैंपसिस के अंदर तो उसके ऊपर भी पैसा खर्च किया जाएगा फिर नेक्स्ट सब स्कीम आ जाती है मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम सब स्कीम इसके लिए तीन सौ करोड़ रुपए दिए जाएंगे ये सब स्कीम क्या कहती है कि हम एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है और जो बेसिकली क्लस्टर फॉर्म में इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे ताकि जो नीड्स हैं लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री की उनको अच्छे से फुलफिल किया जा सके ठीक है इसके अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी पचास परसेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट और सत्तर परसेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर आप लैंड डेवलपमेंट कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो एच सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हर एरिया के लिए आपको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अंदर जो मैक्सिमम असिस्टेंस की लिमिट है वो एक करोड़ रुपये की है ठीक है उसको भी याद रखिएगा एंड नेक्स्ट जो आपकी स्कीम आ जाती है जो फाइनल जो सेकेंड लास्ट इसके अंदर स्कीम है सब स्कीम है दैट इज़ योर ब्रांड प्रमोशन ऑफ इंडियन ब्रांड्स इन लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर तो इसके अंदर सरकार क्या कह रही है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का जो फुटवेयर ब्रांड है उसको जो है प्रमोट करेंगे और इसके लिए 50 परसेंट की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी मैक्सिमम 10 करोड़ की लिमिट तक ठीक है हर ब्रांड के लिए अगले तीन सालों के लिए ताकि टारगेट क्या है कि आने वाले सालों में कम से कम दस इंडिया ब्रांड्स को इंटरनेशनल मार्केट में लेकर के आया जा सके और ये जो आ, एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी ठीक है उसको एन आई डी एन आई एफ टी आई बी एफ आई आई एफ टी या किसी और इंस्टीट्यूट में से अभी सरकार चूज़ करेगी अभी तक फाइनल नहीं हुआ उसके बाद आ जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ आप डिज़ाइन स्टूडियोज इसके लिए सौ करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसमें क्या होगा दस इंडियन डिज़ाइन स्टूडियोज़ बनाए जाएंगे ये जो स्टूडियोज़ होंगे ये क्या करेंगे ये मार्केटिंग के अंदर हेल्प करेंगे ठीक है एक्सपोर्ट में हेल्प करेंगे बायर और सेलर को एक साथ ला करके जोड़ेंगे ठीक है उसके अलावा डिज़ाइन्स वग़ैरह जो है इंटरनेशनल बायर्स को डिस्प्ले करेंगे ताकि इंटरनेशनल बायर्स जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें और डेफिनेटली वो अपने परचेज डिसीजन जो है वो ले सकें एक तरह से ये जो डिज़ाइन स्टूडियोज होंगे ये वन स्टॉप शॉप होंगे जो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा डिज़ाइन की भी टेक्निकल सपोर्ट की भी क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जाएगा ठीक है चलिए सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन फुटवेयर इसके अंदर अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको आपको मेनली क्या याद रखना है एक तो कितना पैसा इस स्कीम को मिला है टोटल पाँच साल के लिए उसके बाद ये सब स्कीम्स के अंदर जो भी सब्सिडी वगैरह ना बस उसको याद कर लोगे तो सफिशेंट है उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ लेकेडोंग लेकेड हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है एज अ प्रोडक्ट विद एक्सीलेंट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट फॉर तो बेसिकली देखो फालतू की बकवास है क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है कि ये जो लेकेडोंग टर्मरिक है ना ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है ठीक है यानी कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है लेकेडोंग टर्मरिक का ऑप्शन है असम बी मेघालय सी सिक्किम डी अरुणाचल ई मिजोरम बीच की जितनी बातें हैं वो सारी बेकार की बातें हैं यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है लेकेडोंग टर्मरिक आपका मेघालय में बेसिकली इसके पोटेंशियल को काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है ठीक है अभी इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे सो लेकेडोंग टर्मरिक हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ओडीओपी को ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है तो इसके अंदर जो ये लेकेडोंग टर्मरिक है ये ग्रोथ और एक्सपोर्ट पोटेंशियल दोनों है वेस्ट जयंतिया हिल्स जो मेघालय के अंदर है तो ये वेस्ट जयंतिया हिल्स भी याद रख लेना

ये एक ऐसा टर्मेरिक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको करक्यूमिन कंटेंट मिलेगा इट इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट दुनिया का फाइनेस्ट टर्मेरिक वेराइटी इसको कंसिडर किया जाता है हाइएस्ट करक्यूमिन कंटेंट है अगर आप बाकी वेराइटीज़ देखते हो टर्मरिक की सात से नौ परसेंट बाकी के अंदर तीन परसेंट या इससे कम रहता है ठीक तो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इनफैक्ट मेघालिया ने लेकेडोंग टर्मरिक के लिए जी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए तो कर्क्यूमिन के साथ साथ ओलियोरेसिन का जो कंटेंट है टर्मरिक के अंदर वो भी इसके अंदर हाई होता है और कर्क्यूमिन और ओलियोरेसिन ही से ही बेसिकली जो टर्मरिक है जो हल्दी है उसकी क्वालिटी डिटरमाइन होती है जितना ये हाई होगा उतनी सुपीरियर क्वालिटी होगी इंडिया जो है अगर आप देखो अपेडा 2019 के डाटा के हिसाब से इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का इंडिया ने अराउंड 236.5 मिलियन वर्थ का यूएसडी का टर्मरिक 2018 में एक्सपोर्ट किया था ठीक है 2017 में वन था तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस इतना याद रखें कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज़ एक्सपोर्टर है टर्मरिक का टर्मरिक को पॉजिटिव क्रॉप भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये एक तो सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करता है ठीक है ह्यूमन्स की हेल्थ इंप्रूव करता है और साथ ही साथ ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है ठीक है वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है सॉइल को नेगेटिवली uh, इंपैक्ट नहीं करता है दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी पॉजिटिव क्रॉप चलिए जी नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स इंडिया से सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हम किस देश में करते हैं ऑप्शन ए यूएस नेपाल बांग्लादेश थाईलैंड और श्रीलंका सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन ए यू एस ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है जी तो इंडिया जो है इंडिया का ट्रैक्टर एक्सपोर्ट अगर आप देखो अप्रैल दिसंबर 2013 के मुकाबले अगर आप अप्रैल दिसंबर 2021 को देखते हो तो अराउंड 72 परसेंट का ग्रोथ रेट आया है अप्रैल दिसंबर 2013 में हम अप्रैल से दिसंबर 2013 में हमने जितना एक्सपोर्ट किया था उससे 72 परसेंट हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है अप्रैल से दिसंबर 2021 में ये वैल्यूज आपको याद रखनी है तो रख लो नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी है हमारा जो ट्रैक्टर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो यू में करते हैं यू के कोई आसपास भी नहीं है यू को अराउंड हम ट्वेंटी जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है उसका ट्वेंटी फाइव को जाता है सेवन नेपाल को जाता है 6.5 बांग्लादेश को 5.4 थाईलैंड को और 5.3 श्रीलंका को तो लार्जेस्ट जो हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ट्रैक्टर्स का वो यूएस है याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर गाइस व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर गिवन है नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में या पी टी एम वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा सब लोगों ने बेटा जो भी इस पॉइंट तक रुका हुआ है ठीक है मतलब कि उसको मज़ा आ रहा था वीडियो देखने में तो सब्सक्राइब जरूर करना है बेल आइकन जरूर प्रेस करना है और हो सके तो लेक्चर को शेयर जरूर करना है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड बाय